अनुपम फूड किचन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए गेहूं के आटे का पराठा बनाने जा रही हूं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। इसे पानी की सहायता से नरम मुलायम गूंद लूंगी, ना बहुत ज़्यादा कड़ा और ना ज़्यादा मुलायम गीला। इसे सॉफ्ट अच्छा सा गूंद करके पानी की सहायता से तैयार कर लूंगी। आटा तो मैं अच्छा मुलायम गूंद कर तैयार कर रही हूँ। अब इसका एक छोटा सा लोइया लूँगी। लोई लेकर इसे सूखे आटे के सहायते से चकले बेलन पर बेलूँगी। इसे गोल थोड़ा बेलने के बाद इस पर तेल, थोड़े चम्मच की सहायता से थोड़ा सा तेल डालकर चारों तरफ मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे आधा सर्कल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसमें थोड़ा सा और चम्मच तेल डालकर चारों तरफ फैला देना है। फैलाने के बाद इसे फिर आधा मोड़ लेना है, इस तरह सिंघाड़े के तिकोना। अब इसे सूखे आटे की सहायता से फिर बेलेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से घुमा घुमा कर चारों तरफ से तिकोना बेलकर तैयार कर लेंगे। अब गैस ऑन करेंगे। ऑन करके तावा बैठाएंगे। तावे पर इस पराठे को डाल देंगे। ये आधा पराठा एक तरफ सिक जाने के बाद इसे पलटी करेंगे ताकि दूसरी तरफ भी ये सिक जाए। दोनों तरफ सिकने के बाद ही इसके ऊपर तेल डालकर इसे सेकेंगे। ये एक तरफ हल्का सा सिक गया है, अब दूसरी तरफ भी इसे सेक लेंगे। सेकने के बाद इसके ऊपर चम्मच की सहायता से थोड़ा सा तेल डालेंगे और छलनी की सहायता से इसे चारों तरफ फैला देंगे, इस तरह से। अब ये दोनों तरफ से तेल डालकर सेक लिए हैं। देखिए कितना अच्छा ये हमारा फूल कर तैयार हो गया है पराठा गर्मा गर्म। ये लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है पराठा। इसे हम गर्मा गर्म भुंजिया के साथ सर्व करेंगे। ये हमारा पराठा भुंजिया तैयार है। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।